हेलो स्टूडेंट, तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिगेंड्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देखा था, तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की तरफ चलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड जब हम करते हैं तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मोनोडेंड्रेट लिगेंड, मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंड्रेट्स के बारे में समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास में मेटल है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर रहा है, तो इसका कोई अपना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब इस मेटल के चारों तरफ में, मैंने आपको पहले बताया था कि मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन का डोनर तो होता है, लेकिन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में ऐसे लोगों के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है जिसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि इसके पास में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहां पर हमारा मेटल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, यानी कि लिगेंड के पास जाएगा। अब लिगेंड देखिए, कोई ऐसा लिगेंड जिसके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन जब कभी भी कोई भी लिगेंड डोनेट करता है तो एक समय में केवल एक ही लिगेंड डोनेट करता है, तो यहां पर देखिए एक लिगेंड डोनेट हो रहा है। तो ऐसे लिगेंड जो एक समय पे एक ही लोन पेयर डोनेट करे उनको कहते हैं मोनोडेंड्रेट लिगेंड। तो ये मोनोडेंड्रेट लिगेंड है। अब मोनोडेंड्रेट लिगेंड दो तरह के होते हैं, एक पहला एनायंस लिगेंड, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा न्यूट्रल। देखते हैं कौन-कौन से, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे लिगेंड है वो होता है NH3, इसका नाम है एमाइन, एमाइन CO, इसका नाम है कार्बोनिल, कार्बोनिल H2O, इसका नाम है एक्वा, NO, इसका नाम है नाइट्रोसिल। ये सारे लिगेंड तो आपके न्यूट्रल लिगेंड हो गए। एनायनिक लिगेंड कौन कौन से होंगे, सपोज दैट F- इसका नाम है फ्लोरो, Br- इसका नाम है ब्रोमो, I- इसका नाम है आइडो, OH- इसका नाम है हाइड्रोक्सो, O2- इसका नाम है O2- इसका नाम है ऑक्सो, O2- इसका नाम है पर ऑक्सो। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बट नाइट्रो
ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोनाइल को इसका माइनस टू ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फोनाइल को इसका माइनस टू ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी माइनस टू ऑक्सीडेशन नंबर, इसका देखिए माइनस वन है, इसका माइनस वन है, इसका माइनस वन है, इसका देखिए माइनस वन होगा क्योंकि एक माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ पर भी माइनस टू है, एमाइन है यहाँ पर जीरो है, कार्बोनिल का देखिए यहाँ पर जीरो है, एक्वा यहाँ पर जीरो है, नाइट्रो सिर्फ का यहाँ पर जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रो का देखिए यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ पर इसका नाइट्रेटो का भी माइनस, नाइट्रेटो ऑक्सीजन माइनस वन। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं क्योंकि हमको आईयूपीएसी में इनका यूज करना है, तो आपको ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे मोनोमेट्रिक के एग्जांपल, मोनोमेट्रिक में कोई भी एक एग्जांपल उठाइए यहाँ से उसको देखते हैं मोनोमेट्रिक कैसे है। सपोज देन मेरे पास में ये मेटल है, इसमें ये एनपीएस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हटा देगा थोड़ी देर के लिए केवल मेटल है। अब इसमें से कोई भी हम एक ले लें तो हमने ले लिया क्लोरो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फिगरेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1s2 2s2 एंड 2d5 देखिए।
अब आप कहोगे कि यहाँ पर देखिए लोन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए लोन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी लोन इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जगह पर लोन इलेक्ट्रॉन है, वो लोन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये डोनेट कर देगा और हम कह देंगे इसको बाइलेटरल। अब बाइलेटरल लिगेंड है उसकी कंडीशन है क्या, कंडीशन है वो देखिए। सपोज दैट हमारे पास मेटल है, हम किसी लिगेंड को यहाँ पर अटैक करा रहे हैं, तो हमने लिख दिया एस2 और यहाँ पर लिख दिया एस2, ये आपस में ज्वाइंट है, इसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, इसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब डोनेट करने के बाद में देखो एक रिंग फॉर्मेशन हो गया, इसको कहते हैं चेलेशन, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे इसको और भी समझाएंगे। देखिए एक रिंग फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, इस रिंग फॉर्मेशन में ये देखा जाता है इस कंडीशन में कि मेटल 5 और 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर देखिए कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 मेंबर रिंग बन रही है। एक्चुअली देखा ये जाता है कि मेटल 5 और 6 मेंबर रिंग खूब बनाता है, हाईली स्टेबल होता है, और उससे कम नंबर में अगर मेंबर रिंग बन रही है वो अनस्टेबल कंडीशंस में होती है। तो 4 भी बनाता है लेकिन 4 अनस्टेबल कंडीशन होती है, और 3 तो बनाता ही नहीं है, सबसे मैक्सिमम कौन बनाता है, 5 बनाता है, 5 सबसे हाई स्टेबल मेंबर रिंग बनती है इसकी। तो यहां पर देखिए कितने मेंबर रिंग बन रही है, 3 मेंबर रिंग बन रही है, इस वजह से ये बाइलेटरल लिगेंड नहीं होने की वजह से ये सिंगल मोनोलेटरल लिगेंड माना जाएगा। जबकि इसको देखिए अगर हम सपोज एक मेटल लेते हैं और इसको इसके साथ अटैक कराते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर NS2 के साथ में जुड़ा हुआ है CH, उसके साथ जुड़ा है CH2 और उसके साथ में जुड़ा है NS2 और यहाँ पर जुड़ा है CH3। अब देखिए यहाँ पर लोन डी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों डोनेट करेंगे तो कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 ये लगता है स्टेबल। अब ये हमारा मोनोलेटरल लिगेंड है, ये मोनोलेटरल लिगेंड का एग्जांपल है, तो ये हमारा मोनोलेटरल लिगेंड नहीं है जबकि ये हमारा मोनोलेटरल लिगेंड के एग्जांपल है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अच्छा हम इसमें सिंगल में और भी लिखेंगे थोड़े से जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, कुछ और भी हैं जो काम आएंगे भी हमारे आईपीसी में, वो है ट्राइक्लोरोफॉस्फीन PPS3, इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसके भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और कोई बचा है इसमें, बताने में मना हो जाएगा काम, हाइड्रोक्सीजन हाइड्राजीनिलीन जो अभी भी एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर लिए थे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन। देखो ये मोनोलेटरल लिगेंड का एग्जांपल है, बाइलेटरल नहीं है, रीजन आपको पता चल गया, लिगेंड ये हमारा जो रिंग बना है वो 3 मेंबर रिंग बनाएगा। इसका एक और लिख लीजिए हाइड्रोक्सिल एमीन भी लिख लीजिए, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, फार्मूला NH2OH, ये हमारा है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब देखिए यहां पर लोन इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देगा आपसे, इस तरीके से हम लोग मोनोलेटरल लिगेंड। बाइलेटरल लिगेंड के कौन कौन से एग्जांपल है वो देखिए, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं हम लोग, एक हाइड्रोक्सी क्यूमन जैसे एक एग्जांपल में बना रहा हूं, देखिए आप तो ये देखिए इसका नाम है एक हाइड्रोक्सी, इधर में लिखा हूं एक हाइड्रोक्सी क्विनोनी। अब देखिए इसमें दो एक्टिव साइट है, एक तो एक्टिव साइट हमारा ये है और एक एक्टिव साइट हमारा ये है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि दो जगह से ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसको, मेटल को, अगर कोई मेटल आता है तो ये दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और रिंग भी देखो कितनी बने, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग में है और हाईली स्टेबल है, तो 5 मेंबर रिंग भी बन रही है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक हाइड्रोक्सिक्लोरीन बाइलेटरल लिगेंड का एग्जांपल है। और देखिए इसको एरोमेटिक कर लीजिए, एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन CH2
दो लेते एथिलीन, EVXY, LTMEXY, डाइएथिलीन। इसको शॉर्टकट में हम लोग EL लिखते हैं, बुक में आपको EL लिखा दिखाएगा। तो एथिलीन डाइएथिलीन को शॉर्टकट में EL लिखते हैं। यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां पर हमारे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी दो पेयर ऑर्बिटल इसके साइड में, और दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक बार यहां से करेगा, एक बार यहां से। अगर कोई मेटल आता है तो ये दो जगह से करेगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर रिंग बन गए, यानी कि एथिलीन डाइएथिलीन हमारा बाइसेक्टेड लिगेंड का एग्जांपल है। और देखिए अगर सपोज दैट हमारे पास में स्ट्रक्चर हो CH3, CH, CH2, NH2 एंड NH2, इसका क्या नाम है? देखिए ये भी बाइलेटरल लिगेंड का एग्जांपल है। इस ये हो जाएगा हमारा प्रोपिलीन, प्रोपिलीन डाइएमीन। ये देखिए कैसे नाम लिखा है, देखिए ये आपका प्रोपिलीन है और यहां पर दो एमीन लगे हुए हैं, तो प्रोपिलीन डाइएमीन। प्रोपिलीन डाइएमीन हमारा है, प्रोपिलीन डाइएमीन हमारा जो है ऑर्बिटल है, इसको हम लोग पीएन से प्रयोग करते हैं, एथिलीन डाइएमीन को, प्रोपिलीन डाइएमीन को। इसके बाद आप देखिए आपका एथिलीन डाइएमीन है बाइप्रोडक्ट, एक एग्जांपल होते हैं इसके, ऐसे और भी होते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स यहां पर आते चले जाओगे। अगर हम एक और कार्बन बना दें, एक और कार्बन बना लेंगे तो हमारा एथिलीन डाइएमीन हो जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं बाइप्रोडक्ट का। और यदि कोई भी एग्जांपल नहीं है आपके, और कोई एग्जांपल्स हैं? नहीं तब और आपके देखिए, एक नाइट्रोजन यहां लगा दें, एक नाइट्रोजन को यहां लगा दें, एक लोन इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक लोन इलेक्ट्रॉन यहां पर है। सपोज दैट यहां एक मेटल आया, यहां देखिए यहां से डोनेट होगा, यहां से डोनेट होगा, कितने मेंबर दिए? 1 2 3 4 5, पांच मेंबर रिंग बन गए। पांच मेंबर रिंग का हाईली स्टेबल बनी हुई सी का हमारा, इसका मतलब है ये भी हमारा बाइप्रोडक्ट लिगेंड है। इसका नाम है बाइप्रोडक्ट, BPY से इसको डिनोट करते हैं शॉर्टकट में। तो ये हमारे हो गए हमारे बाइलेटरल लिगेंड के एग्जांपल्स। इस तरीके से हम लोग मोनोलेटरल लिगेंड एग्जांपल देखते हैं और बाइलेटरल लिगेंड के एग्जांपल देखते हैं। अब आपको बचा है पॉलीलेटरल लिगेंड के एग्जांपल्स, तो पॉलीलेटरल लिगेंड के एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लोग इसको पहले भी